प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोले। इस दौरान वे नेहरू, राहुल, एससी एसटी आरक्षण और पीएसयू समेत कई मुद्दों पर बोले। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बीजेपी को 400 सीटों का आशीर्वाद दिया। पश्चिम बंगाल कांग्रेस 40 पार नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 40 सीटें भी नहीं बचा पाने की बात कही थी। पीएम ने राहुल गांधी के सरकारी कंपनियों के बंद होने के आरोपों पर कहा कि कांग्रेस ने अपने युवराज को स्टार्टअप बनाकर दिया है, ना वो लिफ्ट हो रहा है और ना ही वो लॉन्च हो रहा है। उन्होंने कांग्रेस के लिए युवराज और कमांडो जैसे शब्द भी इस्तेमाल किए। आज विदेशी मेहमान आते हैं तो मेरा आग्रह रहता है कि आपको एक दिन किसी राज्य में जाना चाहिए। मैं उनको लेते के जाता हूँ राज्यों में, ताकि उनको पता चले कि मेरा देश यानी दिल्ली नहीं है, मेरा देश चेन्नई में भी है, मेरा देश बेंगलुरु में भी है, मेरा देश हैदराबाद में भी है, मेरा देश पुरी में भी है, भुवनेश्वर में भी है, मेरा देश कलकत्ता में भी है, मेरा देश गुवाहाटी में। पूरे दुनिया को मेरे देश के हर कोने का एक्सपोजर मिले, इसके लिए हम कोशिश करते हैं। वहां की सरकार का सहयोग, असहयोग इसके इसके तराजू पर नहीं तोड़ते। एक एक ईमानदारी से इस देश के भविष्य के लिए, पूरे विश्व मेरे भारत को जाने, इसके लिए हम इस प्रयास करते हैं। और मैं अभी भी 26 जनवरी को इतना बड़ा काम रहता है, सबको मालूम है, उसके बाद भी मैं 25 तारीख को फ्रांस के राष्ट्रपति को राजस्थान की गलियों में घुमा रहा था। दुनिया को पता चलेगा मेरा राजस्थान ऐसा। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।